हेलो गाइस, कैसे आप सभी। हमारे पास यामा FZS बाइक आई हुई है। इससे पहले एक बार हमारे पास ये बाइक आ चुकी है। इसका क्लच प्लेट डाउन था और इंजन से कुछ अजीब सा साउंड का आवाज़ आ रहा था, हमने वो ठीक करके दिया था। उसके बाद इसमें वापस से दूसरा प्रॉब्लम आया है। जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और गियर डालने के बाद जब हम क्लच छोड़ते हैं, बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन करता है और पीछे का व्हील जो है बहुत तेज़ी से बबलिंग करता है। ऐसा लगता है पीछे का व्हील उखड़ के बाहर आ जाएगा, मतलब अजीब सा लगता है, डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम इस वीडियो के टॉपिक में आप सबको दिखाने वाले हैं। इसमें क्या ख़राब है, क्या बदलना पड़ेगा, क्या सही करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा बाइक जो है सही से चले, ऐसा प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले तो हम ये प्रॉब्लम सही करने के लिए व्हील को पूरा खोल के बाहर निकाल लेंगे। आप सबको दिखा दें इसमें प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा सा चक्का हिलाओ। इसका बैरिंग वगैरह आप देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर सही है, बैरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको सबसे पहले दिखा दें प्रॉब्लम कहाँ पे है। गाइज हिलाओ एक बार, आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ से, हाँ हिलाइए, यहाँ पे जो हमारा ये कैंची बुश है गाइज, ये कटा हुआ है पूरा। तो हम इसको खोल के देखेंगे कि इसकी क्या हालत है, कितना ज़्यादा ख़राब है, कितना सही है। और चलिए सबसे पहले हम व्हील को खोल के बाहर करेंगे, बाकी हम बाद में और सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो गाइज, आप सब देख सकते हैं हमारा जो है पिछला चक्का खुल के बाहर आ गया है। उसके बाद हम ये बाहर निकालेंगे, उसके बाद साकर खोल के उसका नट ढीला करके बाहर करेंगे, उसके बाद हम ये कैंची खोलेंगे। गाइज, हमने साकर को खोल के अलग कर दिया है नट को। अब वहाँ से हम कैंची खोल के अलग करेंगे इसका। गाइज, इसको हम लोग कैंची ही बोलते हैं अपने भाषे में। अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने अपने भाषे में बहुत सारा नाम इसका यूज करते हैं, पर हम लोग कैंची ही बोलते हैं, कैंची बुश कैंची। तो चलिए अब हम कैंची को खोल के बाहर कर लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कैसे फिट होता है गाइज, कैसे कैंची बुश लगेगा, कैसे फिट होगा और कैसे कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। गाइज, आप देख सकते हैं हमारा कैंची बुश जो है बाहर आ गया है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कैंची में इतना सारा प्ले है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से हमारी गाड़ी क्या है गाइज, गियर डालने के बाद जब हम लोग क्लच छोड़ते थे तो गाड़ी एकदम पूरा पीछे का चक्का ना इतना तेज़ी से वाइब्रेशन करता था और अजीब सा लगता था। ऐसा लगता था हमारा चक्का खुल के ना बाहर आ जाएगा, बहुत ही डर लगता था। तो गाइज, चलिए हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं क्या है, कैसा है। और हमने नया मंगा रखा है, हम आप लोग को नया भी दिखाते हैं। ये हमारा गाइज पुराना बाहर आ गया है और आप सबको हम दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा हमारा पुराना जो है बुश कट चुका है। तो आप सबको हम दिखा दें हमारा जो ये पुराना वाला बुश है, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा कट के ख़राब हो गया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसीलिए हमारी गाड़ी इतना ज़्यादा ये बबलिंग करती थी और इसी के वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत था। और ये हमारा नया बुश है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसा है और उसमें कैसा था। नया वाले में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। और ये भी देख सकते हैं नया वाला एकदम कितना अच्छा है। और यही जो हमारा पुराना बुश है जो सेट, ये भी ख़राब हो गया और ये भी ख़राब हो गया है। तो
गाइज इसी को हम रिप्लेस करेंगे और उसके बाद बाइक चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। गाइज वैसे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ख़राब तो यही है, इससे पता चलता है। तो गाइज इसको कैसे लगाना है और एक एक प्रोसेस दिखाएंगे वापस से, कैसे एक एक नट कहाँ से क्या लगेगा, क्या खुलेगा अच्छे से। गाइस जी हमारा नया वाला बूस है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसको हम अंदर डाल के दिखाते हैं कैसा डाला जाएगा। गाइस जी हमारा इतना चला गया और हम कैसे डाल रहे हैं, रखो एक रिंच पाने के मदद से, उसके मदद से ऐसे ठोक के हम अंदर कर देंगे। हमें डायरेक्ट बूस पे चोट नहीं मारना है गाइज, नहीं इसका मत्था अगर जो ख़राब हो जाएगा तो हमारा जो नया पाइप है ये जाएगा नहीं और दिक्कत करेगा। इसमें आप देख सकते हैं अभी इजीली चला जा रहा है, तो इसी हिसाब से हम लोग उसका मदद लेके उस साइड का भी डालेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हम इसी की पानी के सहारे से उसको अंदर ठोक दिए हैं कि हमारा जो ये बुश का कॉलर है ख़राब ना हो। गाइस इसको हम वापस से नए वाले बुश को इसके अंदर डाल देंगे एकदम, आप देख सकते हैं एकदम इजी जा रहा है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारा ये वार्सल का एक कैप रहता है गाइस कुछ इस तरीके से, तो इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे ग्रीस और इसको हम कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। और सेम प्रोसेस गाइज उस साइड भी हम करेंगे। तो गाइज आप सब देख सकते हैं हमारा कैची बूस जो है लग के तैयार हो गया है। गाइज एक बार हम फिर आप सबको बता दें, हर मैकेनिक अपने अपने भाषा में अलग अलग चीज़ इसका नाम बोलते हैं, जैसे हम तो कैची बुश बोलते हैं, कोई कोई सस्पेंशन बुश बोलता है, कोई कोई झूला बुश बोलता है गाइज, कोई कोई स्विंग आराम बुश बोलता है, तो हम अपने भाषा में गाइज कैची बुश ही बोलते हैं। तो चलिए हमारा कैची बुश जो है लग के रेडी हो गया है, अब हम फटाफट फिट कर लेते हैं इसको, उसके बाद बाइक चला के देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि या वैसा ही है। तो गाइज हमारा बाइक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद इस पर हम राइड करके देखेंगे हमारा वैसे ही बबलिंग मारता है वाइब्रेशन या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलिए राइड करते हैं इस पर। तो गाइज हमारा जो प्रॉब्लम था वाइब्रेशन एंड बबलिंग का, पूरा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है नहीं है। तो गाइज आप किसी के पास अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सस्पेंशन उसको ज़रूर चेक करें, यानी झूला बुश होता है या कैची बुश उसको ज़रूर चेक करें। कभी कभी ऐसा होता है उसके वाइब्रेशन की वजह से पूरा बाइक वाइब्रेशन करती है, और पूरा हमारा जो हेडलाइट वाइजर हैंडल वगैरह है सब वाइब्रेशन करती है। तो चलिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद।